Chapter 5 Coal and Petroleum. This is the second video of this chapter. In the previous video, we have studied about natural and man-made resources and which of them are exhaustible and inexhaustible. Also about coal and the products that are obtained from coal. Moving forward, 5.2 Petroleum. You know that petroleum is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motorcycles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. Do you know how petroleum is formed? Petroleum was formed from living organisms in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. आपको पता है कि ऑटोमोबाइल्स यानी कि मोटरसाइकिल्स स्कूटर्स और कार्स इन सब में पेट्रोल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है और जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर्स वो डीजल से चलते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही पेट्रोलियम से मिलते हैं जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। अब पेट्रोलियम बनता कैसे? पेट्रोलियम उन ऑर्गेनिजम्स से बनता है जो सी में रहते थे। जैसे जैसे वो मरते गए ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी नीचे सेटल होती गई और उनके ऊपर सैंड और क्ले जमती गई। सी के इतने नीचे कोई एयर नहीं थी, हाई टेम्परेचर था और हाई प्रेशर था जिसकी वजह से वो डेड ऑर्गेनिजम्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। लुक एट द डायग्राम, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। इट इज बिकॉज ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। जो डायग्राम आप बोर्ड पे देख रहे हो उसमें आपको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की लेयर जो है मतलब उसका डिपोजिशन जो है वो दिख रहा है। इसमें पेट्रोलियम ऑयल और गैस की लेयर पानी की लेयर से ऊपर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑयल और गैस पानी से लाइट होते हैं और पानी में मिक्स नहीं होते। मूविंग फॉरवर्ड टू रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ओडर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम डार्क ऑयली लिक्विड होता है और उसमें से जो स्मेल आती है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को जब मिलाते हैं तब पेट्रोलियम बनता है। कौन कौन सी चीज़ें? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या फिर इन सारी चीज़ों को जब सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को रिफाइनिंग बोलते हैं। और कहाँ पे होती है ये प्रोसेस? पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है। टेबल 5.1 वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल एंड देयर यूजेस।
अब पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं वो इस टेबल में दे रखे हैं। फर्स्ट, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म LPG, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज। LPG कहाँ पे यूज़ होती है सबको पता है, होम में और इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है एज अ फ्यूल। पेट्रोल ऑटोमोबाइल्स एंड सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, और अगर हमको ड्राई क्लीनिंग करनी है तो भी हम पेट्रोल यूज़ करते हैं क्योंकि उससे वो अच्छे से इजीली हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। थर्ड इज केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। केरोसिन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, स्टोव जलाने के लिए, लैंप्स जलाने के लिए और जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज डीजल, डीजल भी एक पेट्रोलियम है। क्यों, कहाँ पे यूज़ होता है, फ्यूल की तरह यूज़ होता है हैवी मोटर व्हीकल्स में यानी कि ट्रैक्टर्स में और ट्रक में। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेशन के काम आता है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स में, कैंडल्स में और वैसलीन्स में पैराफिन वैक्स को यूज़ करते हैं जो कि एक पेट्रोलियम है, बोलते हैं ना पेट्रोलियम जेली। सेवेंथ इज बिटुमिन, बिटुमिन कहाँ पे यूज़ होता है, पेंट्स में और रोड सर्फेसिंग में। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट इट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज CNG. CNG इज यूज फॉर पावर जेनरेशन। इट इज नाउ बींग यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, इट इज अ क्लीनर फ्यूल। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। Such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places too. Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in Krishna Godavari Delta. अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि natural gas एक बहुत ही important fossil fuel है क्योंकि इसको pipes में से transport करना easy है। Natural gases को high pressure में store करा जाता है CNG के फॉर्म में। CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG पावर जेनरेशंस में भी यूज होती है और आजकल CNG को फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में क्योंकि इसे कंपैरेटिवली कम पोल्यूशन होता है और ये फ्यूल क्लीन भी बहुत होता है। और इसकी पाइपलाइंस कहाँ कहाँ पर है, वडोदरा में, गुजरात में, दिल्ली में है और दूसरे एरियाज़ में भी हैं। नेचुरल गैस को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं कुछ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। इंडिया में ये गैस बहुत जगह स्टोर करी जाती है। नेचुरल गैसेस त्रिपुरा में मिलेंगी आपको, राजस्थान में मिलेंगी, महाराष्ट्र में मिलेंगी और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। मूविंग फॉरवर्ड टू 5.4, सम नेचुरल गैसेस आर लिमिटेड। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। यू नो
that coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organisms, minerals, and millions of years to get converted into these fuels. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. This will result in better environment, smaller risk of global warming, and their availability for a longer period of time. In India, the Petroleum Conservation Research Association, PCRA, advises people how to save petrol and diesel while driving. Their tips are, first, drive at a constant and moderate speed as far as possible. Second, switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait. Third is ensure correct tire pressure. Fourth is ensure regular maintenance of the vehicle. ठीक है, अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल होती हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स. मतलब उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, लिमिट में होती हैं, वो लिमिटलेस नहीं होती हैं. अब आपको पता है कि कोल और पेट्रोलियम भी फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स. डेड एंड डिके मैटर को मिलियन साल से भी ज़्यादा लगते हैं फ्यूल्स बनने में, पर ये रिसोर्सेज सिर्फ कुछ 100 सालों तक ही रह सकती हैं. इन फ्यूल्स से एयर पोल्यूशन भी बहुत होता है और ग्लोबल वार्मिंग का भी मेन कॉज ये फ्यूल्स ही हैं. इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को तभी यूज़ करें जब ज़रूरत हो. इससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग के भी चांसेस कम हो जाएंगे. एक रिसर्च एसोसिएशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA. इसने क्या किया कि लोगों को एडवाइस किया कि कैसे इन पेट्रोलियम को कंजर्व कर सकते हैं. तो क्या क्या एडवाइसेस दी इन्होंने? फर्स्ट, जब गाड़ी चलाते हो तो कांस्टेंट स्पीड पे और मॉडरेट स्पीड पे चलाओ. सेकंड, अपना इंजन ऑफ कर दो गाड़ी का जब भी आपको वेट करना हो या फिर जब भी आप ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े हो. टायर का जो प्रेशर है उसको भी सही रखना चाहिए और रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए. और व्हीकल का मेंटेनेंस तो है ही इम्पॉर्टेंट. सो दिस वाज ऑल अबाउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. And with this, we are done with Chapter 5, Coal and Petroleum.